नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं टाइपिंग के कोर्सेज चलाता हूं और टाइपिंग के टिप्स देता हूं आप लोगों को। जो लोग नए हैं उनको कह देना चाहता हूं मैं, अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ती है, एक्यूरेसी नहीं बढ़ती है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आपने क्या करना चाहिए, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होने लगेगा। और जिन लोगों की अच्छी स्पीड आ रही है, जैसे किसी की 45 की स्पीड आ रही है, किसी की 40 की स्पीड आ रही है, तो आप लोग अपनी स्पीड को बनाए रखें। आपका किसी भी भर्ती का टाइपिंग टेस्ट हो, आप लोग मुझसे सलाह ले सकते हैं। और जो नए हैं, जो शुरुआत से सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के लोगों में क्लिक करें और प्लेलिस्ट पे चले जाएं। वहाँ से आप डे वन से कोर्स को, बिल्कुल फ्री कोर्स है, उसको आप डे वन से देखकर टाइपिंग घर बैठे सीख सकते हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है, अब मैं उनको रिप्लाई करूँगा। देखिए, द RM कॉन्सेप्ट करके आईडी है, इनका मैसेज आया है इनका, आपकी स्पीड काफ़ी कम है। देखिए, तो आपने क्या करना है, 100 शब्दों का एक पैराग्राफ ले लेना है। जब भी आपका CRP, आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जब तक भी आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जब तक भी आपको टाइम मिलता है, तो रोज़ आपने 2 घंटे इस अभ्यास को करना है। 100 शब्दों का एक पैराग्राफ ले लेना, उसको 2 घंटे तक का रिपीट करना है आपने। एक बार टाइप कर लेंगे तो फिर से उसको दोबारा टाइप करेंगे, फिर से उसको फिर दोबारा टाइप करेंगे, तो इस प्रकार से उसको बार बार टाइप करते हुए चले जाना है आपने। तो इससे आपकी थोड़ा सा स्पीड बढ़ने लगेगी। और उसके बाद जब आप, जितना भी टाइम आपका बचेगा, तो उसके बाद आपने मैटर को बदल बदल के टाइप करना है। देखिए, वहाँ पे आपको ऐसा मैटर मिलेगा जो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, तो इसलिए आपने मैटर बदल बदल के भी अभ्यास करना है। और 2 घंटे तक का, लेकिन रोज़ आपने 100 शब्दों का एक पैराग्राफ लेना, उसी पैराग्राफ को बार बार टाइप करना। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बाकी फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगला कमेंट है मेरे पास एग्ज़ाम पॉइंट है SK करके। देखिए, आप बहुत कम दिन हुए हैं आपको शुरुआत करे हुए, और आपका टाइपिंग टेस्ट भी नज़दीक है, तो आप ये चीज़ खुद भी समझ सकते हैं कि कितना कठिन आपके लिए ये रहने वाला है, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव यहाँ पे रहेगा। ज़रूर आप टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जाएँ और वहाँ आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की। देखिए, 9 को आपका टाइपिंग टेस्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे, तो आपको एक वीडियो मिलेगा, टाइपिंग ड्रिल पार्ट 1। आप उस वीडियो को देखना, और उस वीडियो में जो भी बता रखा है, उसका अभ्यास आपने रोज़ 15 मिनट तक का उसका अभ्यास करना है। टाइपिंग ड्रिल पार्ट 1 है, उस वीडियो में आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो को पहले पूरा देखना आप। उसके बाद उस वीडियो में जो भी बता रखा है, उसका रोज़ आपने 15 मिनट अभ्यास करना है। 15 मिनट अभ्यास उसका थोड़ा स्पीड के साथ करना है, 15 मिनट रोज़ उसका अभ्यास थोड़ा स्पीड के साथ करना है। और बाकी टाइम में आपने 2 घंटे तक का, आपकी स्पीड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, स्पीड आपकी कम है। देखिए, 2 घंटे तक का आपने करीबन 200 शब्द का एक पैराग्राफ ले लेना है, उसका 2 घंटे तक का उसको रिवीजन करना है, बार बार उसको रिवाइज करना है। जैसे एक बार टाइप कर लोगे तो फिर से दोबारा उसको टाइप करोगे, फिर से दोबारा टाइप करोगे। ये 2 घंटे रोज़ आपने अभ्यास करना है, और 15 मिनट का अभ्यास मैंने बता दिया, उसके बाद बाकी टाइम में मैटर को बदल बदल के टाइपिंग करने का अभ्यास करना। देखिए, अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपकी उंगलियां गलत की में पड़ने लगती हैं, तो आपके कम दिन हुए हैं, तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड को देख लेना है, फिर टाइप कर लेना। जब वहाँ जाएंगे आप एग्ज़ाम सेंटर में, आपको ऐसा लगता है कि आपसे गलतियाँ हो सकती हैं, आपको घर में ही पता चल जाता है। जैसे जिसके कम दिन हुए होते हैं, जिसने कम अभ्यास किया होता है, उसको घर में ही एहसास हो जाता है कि उससे जब वो टाइपिंग करता है तो उसकी स्पीड कम आती है। कम तो आती है स्पीड, और साथ में गलतियाँ भी ज़्यादा होती हैं आपसे। जिसने भी कम दिन में अभ्यास कर रखा है और गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, जैसे अभी 4-5 दिन से पहले से जिसने स्टार्ट किया है, उनको कह देना चाहता हूँ मैं, तो आप वहाँ पे कीबोर्ड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। गलत होने से अच्छा है कि आप कीबोर्ड देख लेना, देख के बटन टाइप करना और मैटर देखना, उसके बाद फिर से कीबोर्ड देखना, और ये कोशिश करना कि मैटर में कहीं आप खो ना जाएं। मैटर कहाँ पर है, लाइन का ध्यान रखना आपने, लाइन कहाँ पर से आपकी, लाइन कहाँ पर से वर्ड आपको छोड़ के आप कीबोर्ड में आ रहे हैं, उसके बाद नज़रें फिर तुरंत आपकी पैराग्राफ में उसी जगह पे जानी चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। ये चीज़ आप समझ गए होगे जो मैं कहना चाहता हूँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना दोबारा। देखिए, मैं रोज़ शाम को वीडियो डालता हूँ, तो आप लोगों ने कमेंट रिप्लाई वीडियो भी चेक कर लेना है, उसमें आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई मिल जाएंगे आपको। अगला कमेंट है सर्वेश मिश्रा। देखिए आपने सर्वेश मिश्रा जी,
आपने 100 शब्द का एक पैराग्राफ लेना है, उसका आपने 2 घंटे तक का रोज अभ्यास करना है, बार बार उसको रिपीट करना है। 100 शब्द का एक पैराग्राफ लेना है आपने, उसको 2 घंटे तक का आपने बार बार रिपीट करना है। बाकी आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, इससे आपको थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट कर देना। जैसे 2 घंटे तक का एक बार टाइप कर लोगे 200 शब्द का पैराग्राफ, फिर से उसी को टाइप करना, फिर से उसी को टाइप करना। और सभी लोग सुन लें, सभी लोग आपने कोशिश करना कि आपका जो भी पैराग्राफ है, जो भी टाइप कर रहे हैं, A4 साइज में आपका मैटर हो, उसी से देख के आपने टाइप करना है। और इस प्रकार से आप टाइप करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ भी आपको ऐसे ही मैटर मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपने घर पे भी अभ्यास करना है। अब अगला कमेंट मैं पढ़ लेता हूँ। अगला कमेंट आशीष जी का आया है। आपने पूछा है कि मिस्टेक पे क्या करना है। देखिए, जब आप जो भी आप पूछ रहे हैं, जो आप जानना चाहते हैं, ये चीज़ क्लियर CRPF की ओर से दी नहीं गई है। अगर ये इंटरनेट पे ये चीज़ क्लियर दी हुई, लिखित पे ये चीज़ दी होती कि बैक स्पेस दबाना है, यानी बैक स्पेस तो यूज़ नहीं करना है, लेकिन वर्ड टाइप करने में आप ये कहना चाहते हैं कि वर्ड टाइप स्पेस दबाने से पहले यूज कर लें क्या, तो जब आप जाएंगे टाइपिंग सेंटर पे, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, वहाँ आपके जवान मिल जाएंगे, जो क्लर्किकल जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ऑफिसर मिल जाएंगे वहाँ। तो आप उनसे टाइपिंग देने से पहले जब आपको टाइम मिलेगा तो उनसे ये चीज़ पूछ लेना आप कि आप क्या बैक स्पेस का यूज़ कर पाएंगे क्या वर्ड के रहते रहते स्पेस दबाने से पहले पहले, ये चीज़ आप वहाँ पे क्लियर कर लेना। तो उसके बाद आप जो जैसा आपको बताया जाता है वैसा ही आप करना है। फिलहाल मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको जानकारी नहीं मिल पाती है तो आपसे गलती हो जाती है, तो स्पेस दबा के आप आगे बढ़ जाना, अगला वर्ड टाइप करना, वो आपके लिए सही रहेगा। देखिए रॉयल जी आपका मैसेज आया है, घबराहट हो रही है। देखिए आपने घबराना नहीं है, नहीं तो आपको फायदे की जगह ये चीज़ नुकसान दे देगा। आपने ये चीज़ समझनी है कि जब भी हम, देखिए जब भी हम घबराते हैं तो उंगलियां, देखिए ज़्यादा घबराहट के कारण भी उंगलियां हमारी से कब कभी सी बनती है उंगलियों में। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो उंगलियां कांपेंगी कीबोर्ड में टाइपिंग करते वक्त, तो उससे आपकी स्पीड बिगड़ेगी और साथ में आपके गलतियां भी होने लगेंगी। तो आपने वहाँ पे घबराना नहीं है, ये चीज़ आप समझ के होगे। देखिए अगला कमेंट है मीरा गुप्ता जी। देखिए एक्यूरेसी भी आपकी कम है और स्पीड भी आपकी कम है। आपने एक वर्ड लेना है, देखिए जैसे आप इंडिया टाइप करेंगे उसके बाद फुल स्टॉप टाइप करना, तो इसको स्पेस दबाना, फिर से इंडिया टाइप करना, फिर से फुल स्टॉप दबाना। तो इस प्रकार से 3 लाइन तक का आपने इस अभ्यास को करना है। अब ये जो उंगली से फुल स्टॉप, इस उंगली से जब हम फुल स्टॉप दबाते हैं तो वो दबाने में आपको दिक्कत हो रही है उस उंगली से, तो आपने एक वर्ड ले लेना। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक इंडिया कह रहा हूँ, आप कोई सा भी एक वर्ड ले लेना और उसके बाद फुल स्टॉप दबाना, और वर्ड को चेंज मत करना, वही वर्ड आप 3 लाइन उसका अभ्यास करना, उससे आपको ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। बाकी देखिए आपने 300 शब्दों का एक पैराग्राफ बना लेना है। 300 शब्दों का एक पैराग्राफ आपका A4 साइज में होना चाहिए। आप वहाँ पे टिक कर लेना जहाँ पे 300 शब्द हो रहे हैं आपके, उसका आपने रोज़ 2 घंटे तक का अभ्यास करना है, बार बार उसको रिपीट करना है। और उसके बाद बाकी जो आपका टाइम बचेगा उस टाइम पर आप मैटर को बदल बदल के टाइप करना, कभी किसी मैटर को टाइप करना, कभी किसी मैटर को टाइप करना। तो इस प्रकार से आप अपने अभ्यास को जारी रखना। फिर भी आपके स्पीड या एक्यूरेसी में कोई सुधार नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। अंकित जी का मैसेज आया है, एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है एडमिट कार्ड। आप लोगों को मेल भी आया होगा, वो मेल आप लेके जाएं कंप्यूटर सेंटर में जाएं, वहाँ से उस मेल से लिंक होगा, तो उसमें क्लिक करके भी आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं एडमिट कार्ड को। देखिए अब ये टाइपिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी। देखिए एग्ज़ाम पॉइंट करके आपका मैसेज आया, आप 3 दिन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 3 कम दिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 वीडियो दे रखे हैं, Typing Drill Part 1, Typing Drill Part 2, Typing Drill Part 3। आप ये 3 वीडियो का रोज़ 1-1 घंटे अभ्यास कर लेना, इससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। बाकी टाइम में, ये तो 3 घंटे का अभ्यास हो गया, बाकी टाइम में 1 घंटा आपने 100 शब्दों के पैराग्राफ ले लेना है, उसको बार बार रिपीट करना। बाकी टाइम में जितना बाकी टाइम बचता है उस टाइम पर आप पैराग्राफ को बदल बदल के अभ्यास करना, इससे जो आपकी टाइपिंग की स्पीड होगी, जो भी आप बेस्ट दे सकते हो वो चीज़ इससे बेस्ट आपकी निकल कर आएगी। और ज़रूर जाएं टाइपिंग देने के लिए, आप कोशिश करें अपनी ओर से, तो उससे जो भी आपका अनुभव रहेगा वो आपके आने वाली जो भर्तियाँ होंगी उसमें जब टाइपिंग टेस्ट दोगे तो ये आपका अनुभव काफ़ी उसमें काम आएगा।
जो लोग भी जैसे कोई 3 दिन से स्टार्ट कर रहा है, कोई 4 दिन से स्टार्ट कर रहा है, बहुत कम दिन से लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि ऐसे में कितना कठिन रहता है निकालना टेस्ट है, क्योंकि जो लंबे समय से जो टाइप कर रहे हैं उन्हीं के लिए भी ये चीज़ आसान नहीं रहती है। तो जो चीज़ आप ये ना सोचें कि वहाँ ना जाएँ, आप ज़रूर जाएँ वहाँ टाइपिंग टेस्ट देने के लिए और टाइपिंग टेस्ट दें, वहाँ जाके आपको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा, वो आने वाली भर्ती में आपके बहुत ही काम आएगा। तो जिन जिन लोगों ने भी कमेंट किया था मुझे, उन लोगों को मैंने रिप्लाई कर दिया है। अगर कोई लोग अगर रह गए होंगे तो मुझे दोबारा कमेंट कर देना, मैं कल को फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, कल शाम को फिर से, तो उसमें मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। देखिए रोज़ शाम को मैं वीडियो डालता हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को चेक कर लेना, कोई सी भी किसी की भी जिसकी अगर स्पीड सही आ रही है, एक्यूरेसी सही आ रही है, तो आप लोग करते रहें अपने हिसाब से टाइपिंग, जैसे आप कर रहे हैं जहाँ भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप सीखते रहें वहाँ से, करते रहें अभ्यास, क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है, जैसे हमारे पास 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, तो ऐसे में टाइपिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव करना भी सही नहीं है। बहुत नए नए अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो प्रयोग आपकी टाइपिंग की स्पीड को सुधारने की जगह बिगाड़ भी सकते हैं, तो ज़्यादा प्रयोग भी सही नहीं रहते हैं जिनकी स्पीड सही है। अब जिसकी स्पीड नहीं आ रही है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, कोशिश कर लिया, इंस्टीट्यूट में गए वहाँ से भी कर लिया कोशिश, और घर पर भी अभ्यास कर लिया, फिर भी स्पीड नहीं आ रही है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सलाह दूंगा, उससे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जिसने आपने अपनी ओर से कोशिश करके देख ली लेकिन हो नहीं रहा है, तो आपने मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सलाह दूंगा, आपने वो फिर तरीका अपनाना जो भी मैं बताऊंगा, उस तरीके से ज़रूर आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में टाइपिंग से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ, और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।